चौंक च धरना ला पंजाब सरकार अते पुलिस दे खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये सियासी आगू ने, पर ए किसे एक पार्टी दे नहीं बल्कि अकाली भाजपा ते कांग्रेसी सब एकजुट होके सरकार दे खिलाफ मोर्चा खोल रहे ने। मामला बरनाला दा जिथे धरना दे रहे इन्हां काउंसलरां दा कहना है कि बीते दिन नगर कौंसल दे ईओ ने अपने दफ्तर आए काउंसलर भुपिंदर सिंह भिंदी नूं जाति सूचक अपशब्द बोले सन, जिसका विरोध उत्थे बैठे दो कौंसलर ने भी किया, जिस तो बाद एससी कमीशन नूं ईमेल कर अते पुलिस नूं दरखास्त दे भाजपा के आगू नीरज जिंदल अते अकाली आगू तजिंदर सिंह सोनी जागल ने ईओ खिलाफ एससी एक्ट लगाउण लई कौंसलर भुपिंदर सिंह भिंदी के हक च गुआही दिती। पर एससी कमीशन कोल भेजी ईमेल ते बरनाला थाने दिती गई दरखास्त ते फिलहाल कोई भी कानूनी कार्रवाई अगे नहीं वधी। पर उस दिन देर शाम ईओ वल्लों सरकारी काम च विघन पाउण दी दरखास्त ते दोवें गवाहां खिलाफ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर दिता। देखो जी, सब तो पहला बरनाला साहब दे विच एडी माड़ी मातभागी घटना वरती, एक लोगों ने चुने हुए नुमाइंदे एक ईओ साहब ये कह के बाहर कढ़ दे भी चूड़े जमियात इत्थे तुरे फिरदे ने बाहर निकल, जदों उत्थे मौजूदा दो एमसी पहला बैठे सी जदों उन्होंने सामने ये गल कही तो उन्होंने कहा कि ईओ साहब तुहाडी माड़ी गल आ आपां जाति प्रति ना बोलीए किसी दे खिलाफ। उन्हूं पता लग गया, वह आदि डरदा मारा भी ये गवाह ने मेरे सामने इन्हें दो बजे जाके एप्लीकेशन देती, उन्होंने पता लग गया भी वह गवाही देंगे, इस करके उन्होंने उत्ते उन्हें परचा करवाता भी मैनू मार कुट की, जो कि बिल्कुल ऐसी कोई घटना नहीं वापरी। उस तो बाद जदों असी ईओ साहब नूं पता लगा 7 बजे आ गए एप्लीकेशन दे के इन्हां दे रात नूं परचा करता दुनिया से, तां साडे ते अज तक परचा नहीं किया। एक ईओ साहब नूं बचाउण दे मारिया ने दबाव पाउण दे मारिया ने ते जाके दो एमसीआं दे परचा करता, ते असीं पुलिस प्रशासन नूं मिले हाँ डीएसपी साहब नूं एसएसपी साहब नूं वी ये आपदी इनकुआरी करो, पहला परचा उहदे ते एससी एक्ट दे हिसाब नाल उहदे परचा बनदा परचा दिओ, पर उन्हें आपके डरते मारे ने जां सरकार दे दबाव से कोई भी दबाव चाह के पुलिस ने आके एक परचा ये दिता नहीं ईओ साहब से उल्टा उन्होंने परचा गवाहां से देता। इस करके साड़ी प्रशासन को बेनती थी भी ये परचा करन, पर वो तो टाल मटोल कर रहे हैं, सानू मजबूरन धरना लाना पिया। असी अज शुरू किया असी इंसाफ संत जिन्नियां भी जथेबंदियां ने सारे बेनती करते हैं भी जदों कोई होर शहर से भीड़ पैंदी आ चाहे किसी वर्ग से पैंदी आ ऐसी भरा उन्होंने बराबर खड़े होंगे ने, किसानों का ही धरना दिता किसानों के बराबर खड़े ने ऐसी भरा। आज सारी सारिया जथेबंदियों इंसाफ जथेबंदियों अपील जो और बेनती आ भी साडा साथ देना ईओ ते परचा कराया। देखो जी, पहली गल तो यह आ साडे ईओ साहब ने उत्थे साडे नगर कौंसल साडे एम सी साहब गए थे उन्होंने बेइज्जती करी जाति परखी, फिर उन्होंने जो एफ आर आई कराने वास्ते सिटी बंच गए तो जोड़े उन्होंने गवाह से वो दो एम सी इन्होंने परचा दिता, वह करके अभी अच्छ इतने सरकार का ईओ साहब का इन्हों का अभी मुर्दाबाज करा। मसला तो कुछ भी नहीं जी, किसी को यह कम कार वास्ते गए जो अपने ने चंडीगढ़ एम सी साहब ने गए, इन्होंने कोई सड़क टुटी से वास्ते कहा कि तुम आ सड़क पर कि कोई रोड़ी आ जा कोई होर पवा दो, वो कहना आप गुस्से कह लगे भी तुम तो दफ्तर से निकलो किसी चूड़े च मैं रूप तुरे फिरते हैं, तो कितने सोनी जागल ने कहता भी इदा नहीं बोलना, तो उन्होंने गवाह से वो दोवों से ही नीरज जिंदल जी से सोनी जागल जी से इन्होंने परचा दिता। अगला जी जी सारा बाजार भी बंद करावे तो उच्चे लेवल तक जावे अभी बंद नहीं करते जी, कहने भी धरने बंद कर दें। जानकारी मुताबिक इस मामले च भाजपा आगू नीरज जिंदल नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत च पेश कर जेल भेज दिता है, तो इस मामले च नामजद अकाली आगू तजिंदर सिंह सोनी अजे भी पुलिस की गिरफ्त चों बाहर है। हुण इकट्ठे होए काउंसलरां दा यह कहना है कि अज का संघर्ष तो सिर्फ संकेतक सी, कार्रवाई ना होण तक यह संघर्ष जारी रहेगा। हकीकत टीवी पंजाबी ले बरनाला तो राजेश कुमार गोयल की रिपोर्ट।